रायबरेली सीट पर भाजपा कांग्रेस किसे देगी टिकट, वरुण प्रियंका के अलावा इनामों पर चर्चा तेज। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। रायबरेली सीट पर भाजपा कांग्रेस किसे देगी टिकट, वरुण प्रियंका के अलावा इनामों पर चर्चा तेज। प्रचार रैली रणनीति और वोट बैंक साधने की जुगत देश की लगभग हर लोकसभा सीट पर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली शांत है। सेनाएं शिविर में हैं और प्रतीक्षा है कि कब सेनापति की घोषणा हो और रणदुंदु भी बजे। सोनिया ने पिछले साल ही संकेत दिए थे कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खेल ली और इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि वह अपनी विरासत किसी को सौंपेंगी। इसमें सबसे पहले जो नाम आया वह प्रियंका वाड्रा का था, लेकिन चर्चा यह उड़ी कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। रायबरेली के कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस इनकार की पुष्टि नहीं करते। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी स्पष्ट कहते हैं, हमारी तैयारी पूरी है, अब इंतजार भी खत्म होने का है, 20 अप्रैल तक संयम रखना है बस। रायबरेली वासियों को बहुत अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा क्योंकि रायबरेली से प्रियंका गांधी आ रही हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल कहते हैं कि हर स्तर पर हमारी तैयारी हो चुकी है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व की ओर से प्रत्याशी भी तय है, बस घोषणा बाकी है, पार्टी कभी भी टिकट जारी कर सकती है। अमेठी के बाद अब रायबरेली में परिवर्तन की बारी है, अपने दावे को पुष्ट करने के लिए यह रायबरेली से गांधी परिवार की दूरी और केंद्र सरकार का विकास गिनाते हैं, लेकिन प्रत्याशी के नाम पर केवल गहरी मुस्कान। कहते हैं कि पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको जिताया जाएगा, यहाँ प्रत्याशी के नाम पर नेता ही नहीं मतदाता भी चुप है, वे खामोशी से पहले आपको पढ़ते हैं फिर दो टूक जवाब देते हैं, जो अच्छा काम करेगा वह जीतेगा। ऊंचा हार के राजनारायण कहते हैं कि अभी तो पार्टियों के बीच नफा नुकसान तोला जा रहा है, वह एक बात जोर देकर कहते हैं कि कांग्रेस इतनी आसानी से अपने गढ़ को तो नहीं छोड़ेगी क्योंकि अमेठी 2019 में हाथ से जा चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही हैं, यही कारण है कि पार्टी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है। जिले में पांचवें चरण में मतदान होना है, कार्यालयों में पार्टी के बड़े नेता ही कार्यकर्ता के साथ कभी कभी बैठकें कर रहे हैं। दीवानी कचहरी के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में अधिकतर सन्नाटा ही रहता है, वहीं भाजपा की ओर से सिविल लाइंस में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा न होने के चहल पहल देखने को नहीं मिल रही। भाजपा ही कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने में कमजोर बता रहे हैं, तो कांग्रेस ही भाजपा को। राजनीतिक पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर हर दिन किसी न किसी उम्मीदवार का नाम प्रत्याशी के रूप में उछल कर राजनारायण कहते हैं कि अभी तो पार्टियों के बीच नफा नुकसान तोला जा रहा है, वह एक बात जोर देकर कहते हैं कि कांग्रेस इतनी आसानी से अपने गढ़ को तो नहीं छोड़ेगी क्योंकि अमेठी 2019 में हाथ से जा चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही हैं, यही कारण है कि पार्टी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दीवानी कचहरी के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में भी अधिकतर सन्नाटा ही रहता है। भाजपा ही कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने में कमजोर बता रहे हैं, तो कांग्रेस ही भाजपा को। राजनीतिक पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर हर दिन किसी न किसी उम्मीदवार का नाम प्रत्याशी के रूप में उछाल कर लोग चुनावी माहौल को गर्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।